नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्रीय संगीत विद संजना में। आज के ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि ताल क्या है और संगीत में ताल का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करें। ताल, गाना कितना ही सुरीला क्यों ना हो, परंतु यदि वह ताल में ना हो तो सुनने वाले को पूरा आनंद नहीं आता। वास्तव में ताल से ही गाने बजाने की शोभा बढ़ती है, या यूं कहिए कि ताल का संगीत में उतना ही महत्व है जितना दाल में नमक का। अर्थात जिस प्रकार नमक रहित दाल कोई आनंद नहीं देती, उसी प्रकार ताल रहित संगीत भी निरर्थक है। सांगीतिक दृष्टि से हम ताल की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। गायन, वादन और नृत्य की क्रिया में जो समय लगता है, उसकी गति को मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। ताल देने के लिए तबला, ढोलक, मृदंग आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है और उसके लिए कांटे का चिन्ह प्रयोग होता है। ताल के कई भाग माने जाते हैं, जैसे मात्रा, विभाग, सम, ताली, खाली, बोल और आवर्तन। आइए तीन ताल के माध्यम से इन भागों को जानें। तीन ताल 16 मात्राओं की ताल है और इसमें चार चार मात्राओं के चार विभाग किए गए हैं। पहली मात्रा सम कहलाती है और 9वीं मात्रा पर खाली है। 5वीं और 13वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली पड़ती है। किसी भी ताल की पहली मात्रा से अंतिम मात्रा तक के पूरे चक्र को एक आवर्तन कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में बहुत सी तालों का प्रयोग किया जाता है, परंतु अलग अलग तालों का प्रयोग अलग अलग प्रकार की गायकी के साथ होता है। आइए जानें। ध्रुपद, ध्रुपद के साथ चार ताल, सूल ताल और तिलवाड़ा ताल का प्रयोग किया जाता है। धमार, धमार के साथ धमार ताल बजाई जाती है। बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल के साथ झप ताल, एक ताल और तीन ताल का प्रयोग किया जाता है। दादरा एक प्रकार की गायकी है और उसके साथ दादरा ताल का प्रयोग होता है। ठुमरी के साथ दीपचंदी, कहरवा और दादरा ताल बजती है। भजन में कहरवा और दादरा ताल का प्रयोग होता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी ताल के विषय में। अगर आपको संगीत से संबंधित किसी भी विषय की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं नए लेसन के साथ।